नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ISTE Official। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा डाली गई वीडियोस पसंद आती हैं, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक्सेल में राउंड का फॉर्मूला किस तरीके से करते हैं, तो ये कैसे होता है, चलिए इसे हम जानेंगे आगे वीडियो में। पहले हम एक्सेल ओपन कर देते हैं। Run dialog type E selection remove X C E L desktop list option Microsoft Excel with one sheet one table one. अब हम यहाँ पे A1 से लेके A5 तक कुछ वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं 11. Edit one. Sheet one table two. 11 one. Two. यहाँ पे लिखते हैं 21. Edit two. One. Sheet one table three. यहाँ पे लिखेंगे 19. Edit nine. Zero. Zero. Sheet one table four. यहाँ पे लिखेंगे Edit 5, 4. Sheet 1 table 5. Capital 88. Edit 9. Sheet 1 table 8. 11 1. हमने एवरेज की वीडियो पहले डाल रखी है आप लोगों को समझने के लिए। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। फिलहाल हम फटाफट यहाँ पे एवरेज निकालते हैं। Edit equals A V E R A G E average left parent A 1 a 1 colon A 5 a 5 sheet 1 table B 2 52.8 formula D 1 52.8 इसका फॉर्मूला आ गया। अब हमें मेन फोकस किसमें करते हैं, राउंड पे। C 1 तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं C 1 में राउंड। Edit R sheet 1 table C2. हम यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला करेंगे। तो क्या है, इसको हमें राउंड फिगर में लेके आना है। जो हमारी ये राउंड C 52.8 फॉर्मूला D1 52.8 आई है, इसे हमें राउंड फिगर में लाना है। राउंड C1 C2 यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं। इक्वल्स एल इक्वल्स R O U N D R O U N D F पेरेंट राउंड लेफ्ट पेरेंट उस सेल का नाम जहाँ पे हमारी एवरेज है। D A A 1 D 1 और कॉमा D 1 कॉमा और अब पॉइंट के बाद हमें कितने नंबर चाहिए। पॉइंट के बाद हमें चाहिए 0 नंबर, क्योंकि हमें राउंड फिगर में ले आना सीधा। तो 0 और एंटर 0 sheet 1 table C 53 as formula C2 53 फॉर्मूला आ गया C3 कि जिसके आसपास होता है। जैसे राउंड C1 52.8 formula D1 52.8 यहाँ पे आया है, तो ये है 53 के आसपास, तो ये 53 formula आ गया। 53 as formula C2 53 इसको round figure में हमने कर दिया। यदि यहाँ पे ये 52.2 होता या 4 होता तो यहाँ पे ये 52 आता। 52.8 as formula D1 round C 53 as formula C2 53 यहाँ पे formula हमारा round करके इसका आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम राउंड करते हैं। एक बार मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूं। रिपीट राउंड C1 53 as formula C2 यहां निकालेंगे हम C3 C3 में इक्वल्स एडिट इक्वल्स राउंड R O U N D पेरेंट राउंड लेफ्ट पेरेंट यहां पे वो सेल का नाम जहां पे हमारा एवरेज है B1 कॉमा D1 कॉमा यहां पे हमारा पॉइंट के बाद एक ही है, हमें चाहिए नहीं है, हमें राउंड करना है। सीधा राउंड फिगर में लाइए तो 0 नहीं चाहिए हमें। उसके बाद यदि यहाँ पे 4, 2 या ऐसा कुछ नंबर होता, दो वैल्यूज होती पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे अगर आप 1 लिखते तो 1 ही वैल्यू आती उसके बाद। लेकिन हमें यहाँ पे हमारे पास है 52.8 तो हमें चाहिए 0, कोई वैल्यू नहीं चाहिए। 0 डैश डैश 0 0 और एंटर 0 sheet 1 table C4 53 as formula C3 53 फॉर्मूला आ गया 53 as formula C2। तो इस तरीके से हमारा ये राउंड का फॉर्मूला होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अंत में, आजकल कोरोना वायरस का बहुत प्रकोप चल रहा है, तो आप लोग अपने घर में रहिए। सरकार जो नियम बना रही है, चाहे आप किसी भी देश में हो, जो नियम सरकार आपके देश की बना रही है उसका पालन कीजिए और सरकार का सहयोग कीजिए और कोरोना वायरस से बच के रहें। और अगली वीडियो में जब हम आपको मिलेंगे तो एक और नया फॉर्मूला लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।